genius sprouts welcome back to the channel in this video we are going to learn some new words and do the book exercises in case you have missed the reading and the explanation part of this poem i'll just share the link in the description box now let us start with learning of some new words the first word is blow breeze it means gentle wind chanced kite सिट लेटस रीड द गिवन सेंटेंसेस आई कैन फ्लाई अ काइड मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ या मैं एक पतंग उड़ा सकती हूँ आई लव टू सिट अंडर अ ट्री मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है लेटस डू द क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेस्चन इज वट अज द चाइल्ड विश टू बी जो छोटा सा बच्चा है वो क्या बनना चाहता है उसकी क्या इच्छा है कि वो क्या बने सो द चाइल्ड विशेज टू बी अ काइट उसको एक पतंग बनना है वॉट इज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द चाइल्ड विशेज टू राइड अपॉन द ब्रीज जिस भी तरह विंड चलेगी विंड की, की डायरेक्शन होगी जिस भी तरह हवा की डायरेक्शन होगी वो उसी तरह उसी तरफ उड़ना चाहता है उसी तरफ पहना चाहता है नेक्स्ट इज वॉट वुड यू लाइक टू बी आपको क्या बनना पसंद है जैसे उस चाइ जैसे पोएम में चाइल्ड को द तो चाइल्ड वॉन्स टू तो बी अ काइट ऐसे आपको क्या बनना पसंद है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई आपको ऐसा सोचना है कि आप स्काई में उड़ती हुई एक बर्ड हो डिस्क्राइब वॉट यू फील वेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू अब आप एक बर्ड हो और अगर आप अपने पास आते हुए एक पतंग को देखोगे तो आपको कैसा फील होगा तो आपको डर लगेगा यू वुड फील वेरी वरीड सो यू कैन राइट दिस आंसर ऑन योर ओन नाउ नेक्स्ट इज यू हैव देर आर टेन वर्ड्स गिवन यू हैव टू रीड दैम अलाउड ब्राइट काइट राइड साइड स्काई कार्ट चांस डांस First part, do you know more words with these sounds? क्या आपको और वर्ड्स पता हैं जो कि सिमिलर साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं इफ़ यू नो लेट मी नो इन comment section. सेक्शन नेक्स्ट इज what आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं जो कि स्काई में जो कि आसमान में उड़ती हुई आपको दिखती हैं फर्स्ट इज काइट हमें काइट दिखती है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स बर्ड्स ये सब हमें उड़ते हुए दिखते हैं नेक्स्ट इज़ इफ़ यू हैड विंग्स अगर आपके पास पंख होते इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई आप कहाँ जाते कहाँ उड़ उड़ कर जाते तो ये भी आंसर आप खुद से लिखेंगे ट्रेस ऑन द रेन पैटर्नस वहाँ कुछ रेन पैटर्न्स हैं आपको उनको सिर्फ ट्रेस करना है इट मीन्स आपको सिर्फ वहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है नेक्स्ट

You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. Aapko kuch pictures given here aur kuch clues given hai. You have to write the name of, the, of that particular picture. First picture is of sun. Second jo niche diya hua hai, It is of rainbow. Third, moon. Fourth, stars. And fifth picture is of cloud.